गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माए जिन माओ के बच्चे तो हैं पर सेवा करने को वो तैयार नहीं है, ऐसी एक माँ से हम आपका आज परिचय कराएंगे जो माँ यहां गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। ऐसा बेटा जो अपनी माँ को पेट भर भोजन तक नहीं देता, ऐसी बूढ़ी माँ से हम आपका परिचय कराएंगे। एक ऐसी माँ जो अपनों से प्यार ना पा सकी, अपनों का साथ ना सहारा ना पा सकी, पर गौरी गोपाल आश्रम इनका सहारा बना और यहाँ इनकी सेवा हो रही है। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? मेरठ से आई हूँ। मेरठ। मैया कौन कौन है घर में आपके? बस एक बेटा है, एक बहू है, एक पोती पोता है। एक बेटा है आपका, फिर भी आपको वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ा? वो कहते हैं मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, वो कहते हैं अपना खाना अलग बनाओ अपने खाओ। अच्छा, बेटा कहता है कि आप अपना खाना अलग बनाओ? हाँ, बहू भी कहती है, बेटा भी कहता। बहू भी कहती है अलग, देखो। हाँ, क्या माँ ने कभी बच्चे से बोला कि तू अपना अलग बना के खा लेना? अरे माँ बीमार थी तो भी बच्चों के लिए रसोई में जाकर भोजन बनाया है, बच्चों की पसंद का। बीमार थी तो भी बना बना कर खिलाया है, और आज औलाद कह रही है कि तुम अलग बना के खाओ, देखो जरा। तो बेटे और बहू दोनों ही आपको भोजन नहीं देते? जब 10 दिन तक भोजन मेरे को भूझा नहीं तो मैंने बिंद्रा बनाने का फैसला ले लिया। अच्छा, 10 दिन तक आपको खाने को नहीं पूछा उन लोगों ने? तो जब आप आने लगे तो बच्चों ने रोका नहीं, बेटे ने, बहू ने? नहीं, फिर मेरे यहाँ पर आ गई थी तो मेरा आधार कार्ड और वो पासबुक पेंशन बुक खो गई, तो मैं फिर पैसे मांग मांग के मैं बनवाने गई मेरठ, तो किसी ने कुछ नहीं बुझा ना बोला कोई। चलते समय जब मैं बनवा के आधार कार्ड और वो चल दी तो मैं, बेटे की दुकान ऐसे ही है चाय की, तो मैंने कहा भैया मैं जा रही हूँ, नहीं बोला, मैं चली आई। अच्छा, जब आप आ रही थी वृद्धाश्रम तो बेटे ने बोला नहीं कि रुक जाओ, देखा भी नहीं? ना, मैं देखती रही, मैंने कहा कभी इधर कोई देख लेगा तो मैं कह दूंगी भैया मैं जा रही हूँ बिद्रा बन वापिस, तो बोला नहीं, बोला भी नहीं। देखिए, बेटा है, सामर्थ्यवान है, कमाता खाता है, लेकिन अपनी माँ के लिए रोटियां नहीं है उसके पास। जो अपनी माँ को भरपेट रोटी नहीं दे सकता, अब आप बताओ इन बच्चों, जब ये बेटा अपने, जब ये बच्चे, जब ऐसे लोग भगवान को भोग लगाते होंगे तो क्या भगवान इनके भोग को स्वीकार करते होंगे? इनके भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते होंगे, भगवान उन्हीं का भोग स्वीकार करते हैं जो किसी भूखे प्यासे दीन दुखी को खिलाता है, बड़े बुजुर्गों को खिलाता है, पहले माँ बाप को खिलाता है, तब ना भगवान खाएंगे। तुम अपनी माँ को ना रोटी खवा पाए, 10 दिन तुमने माँ को पूछा नहीं, तो फिर भगवान को भोग लगाओगे तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में न माँ को भोग लगता है, भरपेट भोजन इन माओ को, माँ वृद्ध माओ को मिलता है। 275 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में। आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप भी इन माओ का सहारा बनिए और किसी एक माँ को आप भी भोजन दीजिए, किसी एक माँ को भरपेट भोजन दीजिए। मैया आप यहाँ रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, आपको कोई यहाँ पैसा तो नहीं लिया गया रहने का? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ खुश हैं? बिल्कुल खुश हूं। यहाँ आपको भरपेट भोजन, यहाँ आपकी सेवा होती है? बहुत बहुत अच्छी होती है। कोई कष्ट तो नहीं? ये माँ हमारी और आपकी माँ है।